दोस्तों बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि वात प्रकृति वालों को स्प्राउट्स या फिर अंकुरित अनाज का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत भी है कि अंकुरित अनाज या स्प्राउट्स खाने से उनको गैस बनने की समस्या रहती है। और ये गैस बनने की समस्या क्यों होती है, क्या इसके पीछे रीजन है और क्या सच में स्प्राउट्स खाने से गैस बनती है, डाइजेशन खराब होता है, पूरे डिटेल में बात करेंगे आज इसी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। एक्चुअल में दोस्तों स्प्राउट्स की बहुत खुले मन के साथ में सभी लोग प्रशंसा करते हैं, वो नेचुरोपैथी में हो, चाहे आयुर्वेद में हो, चाहे योग में हो, हर जगह स्प्राउट्स का इस्तेमाल किया जाता है, अंकुरित अन्न को इस्तेमाल किया जाता है। तो इसीलिए अंकुरित अन्न के प्रति लोगों का क्रेज भी समय के साथ में बढ़ रहा है, स्प्राउट्स खाना लोग इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को स्प्राउट्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, स्प्राउट्स आपके पेट में गैस बनाने लगते हैं, स्प्राउट्स ठीक से पचते नहीं है या भारीपन फील होता है, ऐसा शिकायतें लोगों के द्वारा मिली हैं। तो आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करूंगा और साइंटिफिकली आपको समझाऊंगा कि क्या रीजन है, किस वजह से स्प्राउट्स गैस बनाते हैं और क्या सच में स्प्राउट्स खाने से डाइजेशन खराब होता है, क्या सच में स्प्राउट्स की वजह से आपको गैस बनने की समस्या होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य परव आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो में। दोस्तों अक्सर लोग सोचते हैं कि स्प्राउट्स खाने से डाइजेशन खराब होता है या पाचन बिगड़ जाता है। एक्चुअल में देखिए, सबसे पहले आपको दिमाग के स्तर पर समझने की जरूरत है, अगर आपके दिमाग में क्लियर है वो चीज़ तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही आप ऐसी कोई बात सुन के अपना दिमाग डिस्टर्ब करेंगे। एक्चुअल में दोस्तों होता क्या है कि जब हम अंकुरित करते हैं किसी भी अनाज को, तो उस अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान उस अनाज के अंदर बहुत सारी केमिकल चेंजेस होते हैं और उसी के कारण उसकी जो डाइजेस्टिबल प्रॉपर्टी है वो बहुत सिंपल हो जाती है, बहुत इजीली वो बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल हो जाता है। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि अंकुरित अनाज खाने से उनको गैस बनने की समस्या होती है, गैस बनती है अक्सर ये चीज़ें आपने फेस की होंगी या फिर सुना होगा ऐसा। इस चीज़ का साइंटिफिकली मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। देखिए, गैस बनने की जो समस्या होती है वो एक तत्व के कारण होती है, ओलिगोसैकेराइड। अगर ये ओलिगोसैकेराइड जितना ज़्यादा मात्रा में होगा, आपको गैस बनने की समस्या उतनी अधिक होगी। और अनाज के अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान, जब अनाज के अंदर से अंकुर निकलते हैं छोटे छोटे, जब हम पानी में भिगो देते हैं, फिर उसको कुछ समय के लिए कपड़े में बांध के रखते हैं और एक दो दिन के अंदर छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, तो इससे एक या दो दिन की इस प्रक्रिया के दौरान अनाज के अंदर काफ़ी चेंजमेंट होता है। अन्न के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशंस बढ़ जाते हैं, बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर चेंजमेंट होता है, वो इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। और कमाल की बात, ओलिगोसैकेराइड का लेवल कम हो जाता है अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान। तो आप कैसे कह सकते हैं और कैसे ऐसे मान सकते हैं कि अंकुरित अनाज खाने से आपको गैस बनने की समस्या होती है? बिल्कुल ऐसा ये निराधार बात है, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड रिस्पॉन्सिबल है गैस बनने के लिए और अंकुरण के दौरान उस अनाज के अंदर ओलिगोसैकेराइड की मात्रा ऑटोमेटिकली ही कम हो जाती है। और दोस्तों रही बात पाचन की, तो पचने की बात ऐसी है कि इन अनाज के अंदर जिसको आप अंकुरित करते हो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो जाती है। जिन पोषक तत्वों को आप नॉर्मली जब शरीर के अंदर उनको डाइजेस्ट करने के लिए डालते हो तो उनको उनकी इतनी जटिलता होती है कि इजीली वो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाते हैं या शरीर के लिए डाइजेस्ट करना, अवशोषित करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हीं तत्वों को अगर आप अंकुरित करके खाएं तो वो आपके शरीर के लिए बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, बॉडी को बहुत तेजी के साथ एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं और शरीर के अंदर प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में मिलती है स्प्राउट्स से। तो स्प्राउट्स को सुपर फूड कहना कोई गलत बात नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, इसकी अंकुरण की प्रक्रिया के दौरान जो अनाज के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो सरल हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, शरीर के अनुकूल हो जाते हैं, तो इजीली शरीर के अंदर डाइजेस्ट होंगे, इजीली अवशोषित होंगे और इजीली शरीर से बाहर निकलेंगे। एक्चुअल में एक स्टडी के हिसाब से स्प्राउट्स खाने से आपकी मेटाबॉलिक रेट भी कंट्रोल होती है, वात का संतुलन होता है, एक प्रकार से वात, पित्त और कफ तीनों दोषों का संतुलन होता है। तो ये दिमाग में स्पष्ट रखें, वात प्रकृति के लोग स्प्राउट्स को खा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। पहली चीज़, अगर आपको स्प्राउट्स खाते ही गैस बनने की समस्या होती है तो आप कम मात्रा से शुरू करें और स्प्राउट्स को अच्छी प्रकार से चबा के खाएं। अक्सर लोग क्या करते हैं कि स्प्राउट्स को बहुत तेज़ी के साथ में खाते हैं, तो ये गलती करते हैं आप लोग। आपको आराम आराम से स्प्राउट्स को चबा चबा के अच्छी प्रकार से, एक एक निवाले को चबा के अच्छे से मुंह के अंदर जब लिक्विड की तरह घुलने लगे तब आप लेके जाइए, देखिए वो कितने अच्छे प्रकार से डाइजेस्ट होगा और ये जो गैस बनने की आपस की जो समस्या थी वो खत्म हो जाएगी। अक्सर कुछ लोगों को
वेट बढ़ने की भी समस्या होती है, तो वो क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में स्प्राउट्स खाने लगते हैं। तो एक लिमिटेड मात्रा अपनी सेलेक्ट करें और उनको अंकुरित करके प्रॉपर तरीके से खाएं। आप स्प्राउट्स के अंदर आप चने ले सकते हो, मूंग आप ले सकते हो, एलमंड्स उसमें डाल सकते हो आप, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सीड्स डाले जा सकते हैं जिनका उपयोग आप स्प्राउट्स के तौर पर कर सकते हो। मेथी को भी अंकुरित करके खाया जा सकता है। तो स्प्राउट्स बहुत सारे अलग अलग सीड्स के, वेजिटेबल्स के जो सीड्स आते हैं उनके, और साथ में हमारे जो अनाज हैं इनके बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार से। किसी नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग प्रकार के स्प्राउट्स के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में यही था जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन था कि स्प्राउट्स खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। तो मेरी तरफ से 100% श्योरिटी के साथ स्प्राउट्स ज़रूर खाएँ। स्प्राउट्स खाना बहुत अच्छा है, सबसे ज़्यादा जीवंत आहार है स्प्राउट्स। तो स्प्राउट्स को अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। आज के वीडियो में ये था, वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे प्रयास को अप्रिशिएट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।